এটা হচ্ছে गोभी, खूब सुंदर गोभी। और ये है घर का बना हुआ चिकन, कल के रात का। और जितना पुराना होता है उतना टेस्टी होता है एक्चुअली। ओके आ जाओ। गुड इवनिंग गाइज, अभी 4:45 और हम निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट हॉलीडे के लिए। तो चलिए। माँ के खुले दो दरवाजा। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं स्टेशन की तरफ। और पिछली हॉलीडे की तरह इस हॉलीडे में हम कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहते। तो जानना चाहोगे ना आप लोग कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेवाड़ एक्सप्रेस में चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर। तो चलते हैं। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन और पिछली बार भी हम आगरा सेम स्टेशन से गए थे। अभी बजे है 6:05 और हमारा मेवाड़ एक्सप्रेस है 7 बजे। ये है हमारा ट्रेन, पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा 2 टिकट है कॉन्फर्म और एक आरएसी में है। तो देखते हैं कि कुछ मैनेज हो पाता है कि नहीं। तुम की सेट की बोर्ड। तो फाइनली हमारा एक सीट मैनेज हो गया है और विजय को भेजा है हमने उस सीट में। तो कल 4:30 बजे तक तो अराउंड हम पहुंच ही जाएंगे चित्तौड़गढ़। तो जल्दी सोना भी है, तो कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, गुड नाइट। तुम्हें देखे ना गुड मॉर्निंग। अभी 4:54 है सुबह के और चित्तौड़गढ़ में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही। कैसे होटल पहुंचेंगे वही हम सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि इधर कोई कैब भी नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कैसे पहुंचते हैं होटल, तो फिर आप लोगों के साथ बात करेंगे। আর কি দেখলে? সিংহ দেখলে? আর কি দেখলে? গরুর পাল না হাতির পাল? আর সিংহ আছে। তো সিংহ তারা করেছে গরুর পালকে? নদী দেখলাম। আচ্ছা। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी चित्तौड़गढ़ के होटल में और ये है होटल के फ्रंट का व्यू। देख रहे हो पूरा पानी ही पानी है और बारिश जो है ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हमने हमारा जो प्लान था वो पूरा हो गया है कैंसिल। तो हमने सोचा कि इधर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, तो सीधा हम चल रहे हैं अभी उदयपुर। तो उससे पहले हम एक रूम का टूर करवा देते हैं। रूम तो आपने देख लिया और ये है होटल का सराउंडिंग व्यू। तो पहले आप इस होटल को देख लो और उसके बाद हम बताएंगे कि रीज़न क्या है इतनी जल्दी हमें इधर से निकलने का, ठीक है। टोल पार करेंगे ना अपन। अच्छा, बस पूरा रोड पर नदी जैसा है। अरे हाँ, मैं जब आया था सुबह 6 बजे आया था। अच्छा, तो उधर से आया तो इधर तो पूरा एकदम। तो ऐसी बारिश होती है हर साल? हर साल होती है ना। इस बार तो ये कम से कम 30-35 घंटे हो गए कंटिन्यू। अच्छा, 35 घंटे? 35 घंटे कंटिन्यू चल रही है हर साल। सत्य देखो আমার মা যেতে লরিটা পুরো হেলে গেছে একদম গর্তে পড়ে। এই বাইকটা भी थोड़ा वो বুঝো এখানেই অবস্থা, যারা পাহাড়ে যায় বৃষ্টির আরো বাজে অবস্থা। उदयपुर झीलों की नगरी है। हाँ, हिस्ट्री में कहते हैं कि हाँ झीलों की नगरी छोटा कश्मीर है, यानी कि ना मतलब बहुत अच्छी चीज जगह है, देखने लायक है, इंसान बोर नहीं होता। तो क्या मार्केट किने दो ना तीनटे किने वो लग चाहे। सो गाइस, जैसे कि प्लान अभी क्यों चेंज किया, जहाँ हमें रुकना था चित्तौड़गढ़। तो पहले हम आपको बता देते हैं हम लोग प्लान का था। हमने प्लान बनाया था कि 2 दिन रुकेंगे चित्तौड़गढ़, फिर थर्ड डे हम मॉर्निंग को निकल जाएंगे उदयपुर एयरपोर्ट। उदयपुर एयरपोर्ट है ना, यहाँ से सिटी 20 किलोमीटर है ना। बस ये आ गई सिटी उदयपुर आ गई अपन यहाँ। ओके, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे सुबह से हो रही है बहुत बारिश मॉर्निंग से। तो जब भी हम करीबन 4 बजे यहाँ पे आए थे, आपने देख ही लिया कि कितनी बारिश हुई थी। इवन रोड भी करीबन ब्लॉक था, तो कोई भी कैब नहीं मिल रही थी। तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ। कुछ होटल की लोकेशन का भी इशू था। पूरा पहाड़ के बीच में सिटी है ना, बीच में लेक है। हाँ, बीच में चारों तरफ झील है, बीच में पहाड़, बीच में उदयपुर। अच्छा, तो जिसके वजह से हमने डिसीजन लिया कि अभी यहाँ पे ज़्यादा देर हम नहीं रुकते, हम चले जाते डायरेक्टली उदयपुर। तो एक्चुअली जब मॉर्निंग को हम यहाँ पे आए थे ना, तो मुझे मेरी गलती ये थी कि मतलब मेरे से थोड़ा मिसजजमेंट हो गया होटल की लोकेशन के जानने में। तो एक्चुअली जो होटल है एकदम सिटी के बाहर है, हाईवे पे है, वो एक इशू है। और गो वीबो पे मैं जब देखा कि ये होटल सूटेबल फॉर फैमिली भी मैंशन है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। नीचे ढाबा था, ऊपर होटल है। तो मैं नहीं कहूँगा होटल की गलती है, पर हाँ मेरे से गलती है कि मैंने डिसीजन लेने में गलती किया। लेकिन और एक रीज़न क्या था कि यहाँ पे कोई ओला उबेर है नहीं। तो गाइस, अगर आप प्लान बना रहे हो चित्तौड़गढ़ आने के लिए, तो आप एक बार वो प्लान रख लेना कि मुझे यहाँ पे आके लोकल से ही कैब सर्विस लेनी है। और मैंने अपने एग्जिस्टिंग जो होटल ऑलरेडी बुक किया था मैंने ऑलरेडी उदयपुर में, तो उनको ही मैं कॉल किया कि ऐसा ऐसा है और हम चाहते हैं कि 2 दिन पहले आ जाएं। तो उन्होंने ठीक है आप चिंता मत करो, आप आ जाओ, हम लोग एकोमोडेट कर देंगे सेम रूम में। तो हम निकल पड़े। गाइस एक चीज बता दूं, यहाँ की जो रोड ट्रिप है अभी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर बहुत प्यारा है। तो लगभग ये हम लोग की 2 घंटे के आसपास जर्नी होगी। बारिश के वजह से थोड़ा बहुत रोड की हालत खराब है और थोड़ा रिस्क भी है, तो हम ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे। लेकिन आप आसपास की ये देखो, व्यू देखो, बहुत मतलब वर्थफुल है। जितना मॉर्निंग में जितना हम लोगों की मूड ऑफ हो गया था, लगा कि यार कितना अच्छा प्लान बनाया था लेकिन ऐसा हो गया वेदर की वजह से। लेकिन आप देखो व्यू देखो, अभी हम जा रहे उदयपुर तो सबका अभी मूड अच्छा हो गया कि चलो एटलीस्ट अभी अच्छा हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे अभी जो हम लोगों के साथ जो ड्राइवर है वो कह रहे थे कि यहाँ पे हर साल ऐसी बारिश होती है और इस बार थोड़ा ज़्यादा है, पर स्टिल मैं बोलूँगा कि आप नॉर्मल सर्दी के टाइम पर आते हो, नॉर्मल दूसरे टाइम आते हो। उदयपुर तो मेरे हिसाब से एक बार या इस लोकेशन में एक बार मॉनसून में आना चाहिए, वर्थफुल आना। एक चीज हमें पता नहीं थी, अहमदाबाद जस्ट यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर दूर है। मतलब आप चाहो तो अहमदाबाद से कभी भी आ सकते हो। बेसिकली गुजरातियों के लिए, गुजरात के जो लोग हैं उनके लिए वो एक वीकेंड डेस्टिनेशन है। वो पिकनिक के लिए आ जाते हैं फैमिली के साथ, वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे क्योंकि उनके लिए एकदम पास पड़ता है। तो अभी हम सोच रहे थे यार हम लोग इतना बड़ा फैन है जेठालाल का, तारक मेहता का, और हम लोगों का प्लान था पहले से हम गुजरात भी जाएंगे। अगर पहले से पता होता और तो फिर हम ऐसा प्लान बना लेते कि चित्तौड़गढ़ ना करके फिर उदयपुर प्लस अहमदाबाद। चलो कोई नहीं, अब क्या करें, कभी दूसरी टाइम फिर से प्लान बनाएंगे। दिख रहा है वो तो आपको छोटे-छोटे, ये आपके 3 जनों के लिए तो बहुत अच्छा है। ये ऐसे छोटा ऑटो कर लेना, 200-300 में हो जाएगा, पूरा उधर घुमा देगा आपको। ये अच्छा मेन सर्कल है, सिटी सेंटर है उदयपुर सिटी का, ये सिटी सेंटर है। हाँ ये सेंटर है मेन सर्कल। ये बापू बाजार है पूरा मार्केट, ये बापू बाजार है। बापू बाजार, ये आ गया आपका टाउन हॉल। यहाँ से स्ट्रीट दिख रहा है ना, ये आपका टाउन हॉल आ गया यहाँ पर। तो गाइस आज का दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय।